दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरह से गेंदे के फूल से हमको पेड़ उगाना है। जी हाँ, मैरी गोल्ड, गेंदा, सबका एक ही नाम लगभग है, एक ही काम है। इस पुराने सूखे हुए फूल को मैं माला से निकाला हूँ, यानी गजरे से, और ये देखिए सीड बनकर तैयार है। इसको आपको किस तरह से उगाना है कि आपके पास अनगिनत पेड़ बन जाएंगे गेंदे के, और आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको मिट्टी बना लेनी है, और ये देखिए मैंने स्टिकर लगा कर रखा है कि हमें याद रहे कि कब बोया हमने। हफ्ता 10 दिन में ये प्लांट बाहर आ जाएगा बनकर, और हमें जो बोना है उसको हमको रख लेना है, उसके सीड यानी फूल को। एकदम सूखा हुआ फूल हो तो बहुत बढ़िया है, गीला रहेगा तो डैमेज हो जाएगा, प्लांट नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमको जो है जिसमें सीड्स ब्लैक हो गई हो उसको हमें प्रोपोगेट करना है। तो इसके लिए भी मैंने ये दोनों का नाम लिखकर लाल पीला अलग इसको ग्रो करना है। और इसमें भी देखिए ये ब्लैक बन गई है सीड्स, तो ये कंप्लीट है, बोने के लिए एकदम मैच्योर्ड हो गई है। तो जिस फूल में ये ब्लैक हो गई हो उसी को आप सीड को लगाइए। तो मिट्टी में आपको क्या करना है, 60% सेंड रखना है और 40% सॉयल, क्योंकि मिट्टी को वेल ड्रेन होना है और पानी बरकरार रहे नमी, जिससे सीड्स जल्दी ग्रो होगी। इसको थोड़ा सा 1 इंच खोद करके हल्का सा मिट्टी में है, इसके जो है गेंदे के फूल के जो सीड्स है ब्लैक वाला हिस्सा उसको इसके अंदर हमें डाल देना है सब संभाल करके, और गुड़ाई हल्की हाथ से करिए और धीरे से चारों तरफ इसको आपको फैला देना है धीरे धीरे करके इस तरह से। और हफ्ते भर में आपके पास अनगिनत बेबी प्लांट बन के तैयार हो जाएंगे, आप फिर चाहे जहाँ लगाइए। देखिए इसको गोलाई से हमने इसमें डाल दिया है, और इसके बाद दूसरा फूल भी हम इसको तोड़ेंगे धीरे से, और इसको हम धीरे से अंदर इसमें डाल देंगे। और ये हमारा जो है, ये मैंने तीसरा भी फूल तोड़ा इस तरह से, और इसको पॉट में मिट्टी के ऊपर हम इसको इस तरह से बिछा देंगे, और फिर धीरे से इस मिट्टी को इसके ऊपर हमें चढ़ा देना हल्के हाथों से। और इसी टेक्निक से आपको जो है आपको बोना है, आपको भी देख लीजिए, ज़्यादा गहरा मत करिएगा वरना आपके जो है प्लांट नहीं निकलेंगे जल्दी, काफ़ी टाइम हो जाएगा और आप सोचते रहेंगे कि क्यों नहीं निकला मेरा प्लांट, फिर आप मुझसे पूछेंगे कमेंट करके। तो इसी विधि से आपको बोना है, और आपको इसको धीरे से पुश करिए इसको मिट्टी के ऊपर हल्के हाथों से, और जो काले बीज दिख रहे हैं उसको धीरे धीरे उंगली से अंदर कर दीजिए, नहीं तो चिड़िया बर्ड्स जो हैं इसको निकाल लेंगे खोद करके, हो सकता है। और इसको आपको जो है सेमी सीडेरियम में रखना है, और आप इसमें फिर धीरे से पानी जो है डाल सकते हैं, डालिए, एक बार इसको पानी दे दीजिए कायदे से, फिर इसको आपको जो है 3-4 दिन बाद पानी देना है। जी हाँ, 3-4 दिन बाद पानी देना है आपको। और ये हमारा लाल गेंदा का फूल का प्लांट, ये सीड जो है बो गई है और ये तैयार हो जाएगी हफ्ते 10 दिन में इसका प्लांट, और फिर इसको हम चाहे जहाँ लगाएं या लोगों में बांटें, ये हमारे ऊपर है। और इसी विधि से आपको भी बोना है दोस्तों, सेम टेक्निक, ज़्यादा गहरा मत करिएगा। और इसी लाल गेंदा को हमने जो डेट के साथ इसमें डाल दिया है कि हमें याद रहे कब बोया हमने, तो ये काम मैं ज़रूर करता हूँ, जिससे टेंशन न रहे कि कब बोया था, कब निकलेगा, टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो ये विधि आप भी अपनाइए, डेट लिख कर डाल दिया करिए हमेशा। और अब पीला फूल इसी तरह बोना हमको, ये ग्लोनिमा है, हमने इसमें जो है ग्राफ्ट की थी, अब इसी में स्पेस देखा हमने तो हमने सोचा क्यों ना इसी में पीला वाला गेंदा हम इसमें बो दें, प्रोपोगेट कर दें। तो ये देखिए बीज बनकर तैयार है, इसको हम धीरे से तोड़ कर फूल को इसके अंदर डाल लेंगे, और सेम उसी टेक्निक से इसको भी बोना है दोस्तों। और ये बनकर प्लांट तैयार हो जाएंगे, और इस विधि से मैं प्लांट उगाता हूँ दोस्तों। मैंने आज तक कभी गेंदे का प्लांट नहीं खरीदा, और दूसरा फूल भी इसी तरह तोड़ करके इसमें हमको धीरे से हाथों से फैला देना है, और मिट्टी से दाब दीजिए धीरे से, और ये बनकर प्लांट तैयार हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। और इसको धीरे धीरे हाथों से दाबते जाइए,
मिट्टी मैंने आपको बताई 40% जो है सॉइल होनी चाहिए, 60% सेंड होना चाहिए, और सेंड अगर रिवर बैंक हो यानी कि नदी किनारे की जो है बालू तो और अच्छी है सफ़ेद वाली, और धीरे से इसको जो है आप इसमें तीसरा फूल भी डाल लीजिए। इस तरह से आपको अपने प्लांट को तैयार करने के लिए फूल को बोना पड़ेगा तोड़ के, और ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके हमसे पूछिएगा कि आपने किस तरह से बोया हमें ज़रूर बताइएगा। और फिर इसमें भी हम धीरे धीरे पानी डाल देंगे, और ये हफ्ता 10 दिन लगभग लगेगा प्लांट इसमें ग्रो हो जाएंगे। और ये होता है सीडलिंग द्वारा प्लांट उगाने का तरीका, तो आप भी इस तरह से उगाइए प्लांट को और अपने घर में लगाइए प्लांट को। इस समय ठंड आ गया है, नवंबर है ये, आपको जो है शुरुआत दिसंबर तक ये प्लांट तैयार हो जाएंगे और फूल देने लगेंगे। अभी ऐसा नहीं कि आप नहीं बो सकते हैं आप, अभी टाइम है सीडलिंग का, मेरी गोल्ड का। दोस्तों इसमें भी मैंने डेट डाल दिया स्टिकर में, और ये पर्ची इसमें मैं लगा दूंगा झंडी, ताकि हमें याद रहे और लापरवाही ना हो। और आज पानी फिर हम देंगे 3 से 4 दिन बाद, जब इसमें नमी ख़त्म हो जाएगी तब, यानी नमी को आपको बरकरार रखना है। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, गुड बाय।